पीछे गाड़ी खड़ी आपको सीधी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पे इस कदर ये चावल है, इसमें और भी कई चीजें ये देख सकते हैं आप। सीधे इसमें गल्ला भरा हुआ है, जहाँ पर जाते हुए गाड़ी के गांव वाले ने और काफी लोगों ने यहाँ से देखा कि किस कदर यहाँ पर बोरियों में माल भरा हुआ है। काफी पूरा टेम्पू किस कदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी टेम्पू गल्ले से भरा हुआ है। यह गांव की पूरी खबर है और इस पे प्रधानाध्यापक जो सरकारी टीचर हैं उन्होंने ये गल्ला बेचते हुए पकड़े गए हैं। और यहीं पर रास्ते में पूरी गाड़ी को हम आपको दिखाया कि किस कदर गाड़ी भरी पड़ी है उस गल्ले से। और ऐसे ही हम गांव वालों से बात करेंगे कि कैसा पूरा मामला है, करेंगे हम प्रधान जी से बात। क्या है मामला, क्या मामला है सर? मामला ये है, तीन गाय ये राशन बेच चुके हैं। अच्छा, एक गाय हमने इनको मतौली में पकड़ा, इनके घर पे गाड़ी टेम्पुआ पहुंच चुका था, राशन उतर चुका था, तो इन्हें कहीं हम लाए ना, तो हमने चलो ठीक है अगर करते रहोगे तो पकड़े जाओगे। एक दाई ये अपने गुस्साईगंज मकान पे लेकर गए, वहाँ भी हमने मोटरसाइकिल दौड़ाई लेकिन नहीं मिल पाया, वहाँ भी राशन उतर चुका था। आज चौथी दफा इनको हमने पकड़ पाया, बच्चों को राशन ये यहाँ नहीं खिलाते, अपने घर पे लेके जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हर चीज का आपको पता चला, आगे जितनी सख्त कार्रवाई हो इनके लिए उतना बढ़िया है। हाँ, बच्चों का पेट काटते हैं तो ट्रांसफर हो इनका जी, या इनको सख्त सजा दी जाए। हाँ दादा, क्या करें, इन्हें सस्पेंड करो जाए, पहले सस्पेंड किया जाए, तब तो जो है इनको वो हो ट्रांसफर हो जाए तो फिर वह काम करें, तो करें वही बात करें। तो जहाँ जाएगा चोरी करें, आपका कहना है कि यहाँ नहीं चोरी, जिस किसी गांव में जाए वहाँ चोरी करें, जो जहाँ जाए तो जहाँ जाए वहाँ चोरी करें, जो कार्य जो कर रहा है। हमने इसी ग्राम के निवासी हैं, जो कार्य हुआ है बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये बच्चों का राशन जो भोजन के लिए आता है उसको ये लोग बिक्री हेतु ले जा रहे हैं। आज पकड़ा गया ग्राम प्रधान द्वारा, जो भी कार्रवाई की गई, इतना मेहनत से ये लोग किए जो पकड़ लिए, और आप लोगों के माध्यम से ये सबको जनहित में जाना चाहिए कि ये कार्य गलत हो रहा है। आपको इसके बारे में कब पता चला था? हम तो ग्रामीण हैं, यहाँ से जानकारी मिली, कुछ हमारे जो थे गांव के लोगों ने फोन किया कि ऐसा ऐसा काम हो गया है रोड पे, तो हम भी आए, हमें भी जानकारी पूर्ण मिली है। चले, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सरकार को कदम उठाना चाहिए इनके। ये गोवा गांव जूनियर स्कूल, यहाँ के हेड मास्टर है प्रवेद दीक्षित। क्या नाम है सर? प्रवेद दीक्षित। हाँ, वो तीन चार बार ले जा चुका है, फिर राशन ले जा चुका है, जब पकड़ा तो पकड़ पाया। हम इधर जा रहे थे, ये मिला हमको, लोगों ने घेर के उसको पकड़ा, और जब उनको घेरा तो वो हम लोगों को मारने के तौर पर कि हम ले जाएंगे, डेली ले जाएंगे हर महीने। अच्छा, हाँ, और काफी लोग जमा हो गए, हमारे सामने लेकर के गए। अच्छा, ठीक, प्रधान ने मेरे पास फोन किया आप देश ने। अच्छा, तो हमने कहा कि भैया क्या मेटल है, कि ये देखो राशन लिए जा रहे, राशन तो हमने कहा गांव वालों को बुलाओ। हाँ, तब गांव वालों को फोन करके बुला, ये थे ये प्रवेश दीक्षित है। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से ये राशन ऑटो आया, ऑटो के भर के राशन लेके जा रहे थे, तो हम लोगों ने रोका, तो उन्होंने ऑटो भगाया, हम लोगों ने मतौली जाके इनको पकड़ लिया, मतौली में पकड़ लिया। तो ये इनके ड्राइवर ने बताया कि हम इनके घर पे राशन लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम कितना क्या राशन होगा? राशन कम से कम 10 से 12 बोरी है। इससे पहले भी कई बार कितनी बार कर चुके हैं? कम से कम 3-4 बार ये ऐसे ही चोरी करके जा चुके हैं। आइए, गाड़ी के ड्राइवर से हम बात करेंगे, क्या कहाँ लेके जा रहे थे? मास्टर साहब ने लगवाया, जूनियर स्कूल से मसौली गांव भेज रहे थे अपने मकान। कहाँ पे? मकान में, मकान पे। अच्छा, कितने टाइम लिख लेते थे? 3 बजे वो साथ में थे तुम्हारे? कितने बार लेके गए तुम? हम पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार हुआ। ये था पूरा गांव का मैटर जिसे हमने आपको रूबरू कराया, पूरे गांव हम ऐसे ही, हम आपको बाकी सब खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। जब तक देखते रहिए डी भारत न्यूज। जय हिंद सर, क्या मामला है? हाँ, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोवा जो विकास क्षेत्र कन्नौज में पड़ता है, ऐसा संज्ञान में आया है कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक है, वो गल्ला विद्यालय से लिए जा रहे थे। अब ये तो जांच का विषय है कि क्या मैटर है, कहाँ लिए जा रहे थे, किस लिए लिए जा रहे थे। अब ये गल्ला क्योंकि विभाग का गल्ला है तो इसी विद्यालय में रखवाया जाएगा गोवा के किसी। जैसे ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के हक पे डाका डाला जा रहा है कि हमने चौथी बार इनको पकड़ा, इसकी विधिवत जांच होगी।
पूरे मामले की विधिवत जांच। और जैसे सर ये गल्ला जो आपने यहाँ पर अपने आंखों से देखा, इसको गल्ले को आप अपने पास हैंड ओवर करेंगे या किसी? नहीं नहीं नहीं, विद्यालय में रखा जाएगा, सरकारी संपत्ति है, सरकारी भवन में ही रखी। तो इस पे क्या काम? गांव वालों का कहना है कि ये अपने घर लेके जा रहे थे अध्यापक। विद्यालय में रखा जाएगा, फिर जो विधिवत इसी चीज की जांच होगी, हेड टीचर को बुला करके इसी चीज की जांच होगी कि क्या मामला है, कहाँ लिए जा रहे हैं।